हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की रेसिपी है दिवाली की स्पेशल पोहा चूड़ा नमकीन। मार्केट से भी बढ़िया और क्रिस्पी। इस नमकीन को अगर घर पे आप बनाएंगे तो मार्केट से कम खर्च में बन जाएगी। दोस्तों, ये जो पोहा नमकीन है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, चटपटी, खट्टी और मीठी होती है। तो इस लाजवाब रेसिपी को बनाना तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं। इस चटपटी नमकीन को बनाने के लिए पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक छोटी बोल और उसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। इसी के साथ डालेंगे एक चम्मच भुना हुआ सौंफ का पाउडर। सौंफ को हमने रोस्ट करके इसे मिक्सी में पीस लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे तीखापन के लिए लाल मिर्च का पाउडर। जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से डालें। इसी के साथ डालेंगे एक चम्मच चाट मसाला पाउडर। साथ ही में लेंगे दो चम्मच पिसी हुई चीनी। इससे बहुत अच्छा मीठापन आएगा चूड़ा नमकीन में। अब हम यहाँ पे डालेंगे एक चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर। इससे कलर अच्छा आएगा। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। तो इसे साइड में भी रखेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है दो कप चूड़ा। ये मोटा वाला चूड़ा है, बहुत ज़्यादा पतला वाला ना लें। और इसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है ताकि कोई भी गंदगी ना रहे। अब चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और इसे फ्राई करने के लिए मैं ले रही हूँ इस तरह का एक छन्नी। और इसी के ऊपर हम चूड़ा को रख के फ्राई करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से छन्नी में चूड़ा और इसे गर्म तेल में डाल देंगे छन्नी को। पोहा फ्राई करते समय तेल को अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो पोहा अच्छे से फ्राई नहीं होगा, फूलेगा नहीं। तो देखिए, हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गर्म है और पोहा को जैसे मैंने डाला ये बहुत ही बड़े बड़े फूल गए हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। और अब हम इसे इस तरह के टिश्यू पेपर में रखेंगे। और अब हम फ्राई करेंगे इस नमकीन का जान, मूंगफली। जी हाँ दोस्तों, मूंगफली के बिना इस नमकीन में स्वाद ही नहीं आएगा। तो मैं इसे इसी झारे में डाल देती हूँ। और देखिए, इस तरह से तेल में डालते ही ये चटकना शुरू हो जाती है। तो थोड़ी देर इस तरह से चलाएंगे और देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा चटक रहा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे और इसे भी एक टिश्यू पेपर पर रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और अब हम फ्राई करेंगे थोड़ी सी सूखा नारियल। इसको मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। जो गोला वाला नारियल होता है ना, ये वही वाला है। इसे भी मूंगफली के साथ ही रख लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 15 से 20 टुकड़े काजू के। इसको मैंने इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे भी हम फ्राई करेंगे, पर इसे बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये तुरंत ही गोल्डन कलर आ जाते हैं इसमें। इसे भी हम निकाल के उसी टिश्यू पेपर पर रखेंगे। और लास्ट में हम डाल रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश, 3-4 चम्मच के करीब है। और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। किशमिश, काजू और जो हमने सूखा नारियल फ्राई किया है, इसे बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, नहीं तो तुरंत ही ये जलने लगेंगे। तो मैंने सारी ही चीज़ों को फ्राई करके इस तरह के एक टिश्यू पेपर पे रख लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसका हम नमकीन तैयार करेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा बोल, जिसे हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर पाए। तो अब हम डाल देंगे यहाँ पे पोहा, जो हमने पोहा फ्राई करके रखी है उसे हम डाल देंगे। देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज में पोहा फ्राई हुआ है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो मैंने इसमें सभी पोहे को डाल दिया है। अब हमने जो मसाले को मिक्स करके रखा है पहले से, उस मसाले को एक चम्मच डालेंगे, इस तरह से छिड़क के डालेंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो जब पोहे को फ्राई करके रख रहे थे उसी समय भी थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें तेल रहता है तो आसानी से ये कोट हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, सारे ही ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे हैं उसे हम डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 8-10 कड़ी पत्ते। इसको भी मैंने उसी तेल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया था। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आपके पास है तो जरूर डालें। फिर से हम उसी मसाला को डालेंगे जो हमने तैयार करके पहले से ही रखा है, एक चम्मच डाल देंगे और इसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से चम्मच से मिक्स करें, या तो आप अपने हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से टॉस कर दीजिए, ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, कितना जल्दी और कितनी आसानी से हमारे पोहा चूड़ा नमकीन बनके तैयार है, बिल्कुल खट्टी मीठी चटपटी सी। इस दिवाली पे आप इसे जरूर ट्राई करें। दिवाली में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ बनानी होती है। आप इस पोहा नमकीन को पहले से बना के स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह से क्रिस्पी, करारा और चटपटा बना रहेगा। दिवाली में सभी पोहा नमकीन बाज़ार से खरीद के लाते हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों में, तो आप इसे बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। दोस्तों, बिना मेहनत के बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है ये पोहा चूड़ा नमकीन। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें।
दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।